एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ा लोग ना मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अकेला बंदा जो काम कर रहा हो वो एंटरप्रेन्योर है। मेरे नज़दीक कासिम अली शाह साहब एक एंटरप्रेन्योर हैं, वो अकेले तो नहीं काम कर रहे, वो तो इस वक्त आज यहाँ पे हैं ही नहीं, ये सारी टीम उनकी काम कर रही है, ये माइक चल रहा है, स्पीकर आ रहा है, बोल रहा है, यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने जहन में रखनी है, चाहे आप अपनी फैमिली के जरिए बिजनेस चलाएं, चाहे आप अपने बिजनेस को डेवलप करें, टीम बिल्डिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अपनी टीम को ट्रेन करना है, टीम बिल्ड करनी है, चाहे वो एक मुलाजम है, चाहे वो जैसे हम छोटा बिजनेस है, चाहे जैसे हम छोटा कहते हैं चाय लाने वाला, अगर उस छोटे पर भी काम किया जाए तो उसको भी हम एक यूजफुल पार्टनर बना सकते हैं अपना। मसलन उसको कहा जाए कि छोटे अगर हम इतनी सेल्स कर लेते हैं तो तुम्हें ये बेनिफिट मिलेगा। तो आपने हर बंदे को इम्पोर्टेंस देनी है जो आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपका एजेंट हो सकता है, आपका ट्रेड पार्टनर हो सकता है, आपका एम्प्लॉई हो सकता है, वो टीम है। बिजनेस हमेशा टीम चलाती है, इंडिविजुअल नहीं चलाता। जॉब्स अकेला, आपको पता है जॉब्स को खुद जो है वो सॉफ्टवेयर लिखना नहीं आता था, ये पता है किसी को या नहीं पता? तो मुझे ये बताएं कि फिर मैकिंटोश कैसे बन गया? जो एप्पल है उसकी सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ क्या है मुझे आप लोग बताएं? वो उसका सॉफ्टवेयर है, जो हैंग नहीं होता, जो जिसको जिसके अंदर जो है वो उसको हैक करना बड़ा मुश्किल है। तो एक ऐसे बंदे ने बनाया जिसे खुद सॉफ्टवेयर लिखना नहीं आता था। ये टीम बिल्डिंग है। टीम लीडर, एंटरप्रेन्योर टीम लीडर होता है, वो ऐसा ऐसा काम करवाता है, ऐसा ऐसा जो उसे खुद भी नहीं आता ना, मोटिवेट करके वो काम करवा देता है। मोटिवेशन होनी बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि सख्तियाँ भी आएंगी, मजबूरियाँ भी आएंगी, प्रॉब्लम्स भी आएंगे नए बिजनेस में, तो आपने हौसला देना है। क्योंकि वो जो छोटू आपके साथ काम कर रहा है, मैं इसलिए मिसाल बिल्कुल छोटे बिजनेस की दे रहा हूँ, बड़े की भी दूंगा आगे जाके, उसका वो ये समझता है मेरा रिस्क खुदा ने इनसे वाबस्ता किया हुआ है। और अगर आप खुद ही शेकी होंगे, If you don't believe in yourself, if you don't believe in your own mission, nobody else will. जितने भी लोग आज तक दुनिया में जितने लोगों ने तरक्की की है, उन्हें पूरा यकीन था कि वो चीज़ कर लेंगे। इतने फेलियर, आइंस्टाइन को उन्होंने पूछा कि जी तुमने इतने एक्सपेरिमेंट किए फेल हुए तो कैसे हैंडल करते थे अपने फेलियर को? मैं अगला एक्सपेरिमेंट करता था। सो फेलियर जो है उससे डरना नहीं है। फेल की डेफिनेशन क्या है? FAIL, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। राइट इट डाउन, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। ये आपने ड्रॉअर में रखना है लिख के, क्योंकि सामने नहीं लिखना। हमने फेलियर के बारे में नहीं सोचना, हमने सक्सेस के बारे में सोचना है। अगर खुदा ना खास्ता कभी फेलियर हल्का सा में लगे आ रहा है, तो फिर हमने ड्रॉअर खोलना है, उसको पढ़ना और बंद कर देना कि यार फिर क्या हुआ, मेरा एक एक्सपेरिमेंट था। अब ये कह रहा है जी, ग्रेट थिंग्स इन बिजनेस आर नेवर डन बाय वन पर्सन, दे आर डन बाय द टीम ऑफ पीपल। स्टीव जॉब्स, एथलीट्स ऑफ 21st सेंचुरी, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, ये देखें जी, इन सब की इन्वेस्टमेंट निकालने जरा क्या है। ये जितनी कंपनियां हैं, या आप में से कोई बनाना चाहे आप बना सकते हैं। इंस्टाग्राम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। उबर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। एक भी गाड़ी नहीं है उनके पास। ये जो क्या, ये एयरबीएनबी इसको कहते हैं, ये जो घरों का रियल स्टेट का है कि किसी को अपने घर का एक फालतू कमरा है, उसको होटल का दर्जा दिया होता है, यू कैन बुक एंड यू कैन गो एंड फॉर वेकेशन एंड लिव देयर। अलीबाबा है, आप सब जानते हैं अलीबाबा को। ये एक तरह का पोर्टल है जिसके ऊपर आप ऑर्डर्स डालते हैं, ये खुद कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, अमेजोन की तरह दूसरों का माल है उसको बेचते हैं। अब तो इन्होंने इतना इस चीज़ को अपग्रेड कर दिया है कि आपके वेयर हाउस में आपका माल पड़ा हुआ है, आप वहाँ से ऑर्डर देते हैं, वहाँ से TCS या जो भी लोकल उनका दुनिया में
कुरियर कंपनी है वो आपसे आके डब्बा ले जाती है, मर्चेंडाइज आके चली जाती है, कन्फर्मेशन हो जाती है कि क्वालिटी ठीक है, पैसे उनके अकाउंट में आ जाते हैं। पाकिस्तान में सीओडी ज़्यादा चल रहा है, क्रेडिट कार्ड लोग डरते हैं यहाँ यूज़ करने से, तो वो पेमेंट कर देते हैं एक सर्टेन डेट के बाद। देखिए कैसा ब्राइट आइडिया है। सो ये एक इकोसिस्टम पे बिजनेसेस आ रहे हैं। अब इकोसिस्टम क्या है उस पर मैं आगे अपनी स्लैब्स भी दिखाऊंगा जिसमें इंटरडिपेंडेंट है, बना कोई रहा है, बेच कोई रहा है, पहुंचा कोई रहा है। अलीबाबा इसकी एक मिसाल है। एथलीट्स उन्होंने इसलिए कहा, जो ये टर्मिनोलॉजी यूज़ की जिस मैगजीन में की, कि जो स्पोर्ट्स होती है ना वो 80 साल के बाबे को और 10 साल के बच्चे को जोड़ देती है। हमारे मुल्क में तो एथलेटिक्स का इतना ज़्यादा लोग नहीं है, लेकिन आप क्रिकेट हो रही होगी ना तो आप देखेंगे कोई आपका जो प्लेयर है वो छक्का लगाएगा चौका लगाएगा तो 8 साल का बच्चा भी वैसे ही उछल रहा होगा, दादाजी भी वैसे ही उछल रहे होंगे उस चौके को देख के। सो वो आपके डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को एक जगह ले आए हैं। फेसबुक हो गया, ये आपका नेटफ्लिक्स हो गया। सो ये इस टॉपिक को कवर करता है। मैंने कहा पहले एथलीट्स वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें फिर आगे मूव करते हैं। सम एंटरप्रेन्योर्स थिंक हाउ कैन आई मेक अ लॉट ऑफ मनी, बट द बेटर वे इज टू थिंक हाउ कैन आई मेक पीपल्स लाइफ अ लॉट बेटर। इफ यू गेट इट रिच द मनी विल कम। अगर स्टीव जॉब्स ये सोचता कि मैं चाइना का कोई घटिया सा माल इकट्ठा करके कोई घटिया सी गंदी सी ब्रांड बना के उसमें से पैसे जल्दी जल्दी निकाल लूँ तो एप्पल कभी ना आता। वो कहते कैबिनेट का पिछला हिस्सा जो किसी को नज़र नहीं आता वो भी उतना खूबसूरत होना चाहिए जितना कैबिनेट का अगला हिस्सा है। यानी आदमी को कलाकार होना चाहिए, हर आदमी को, एक बिजनेसमैन को, एक एंटरप्रेन्योर को आर्टिस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि जो हिस्सा आपको नज़र आ रहा है सिर्फ, अभी देखेंगे आप जिन कुर्सियों पर बैठे हुए हैं इनमें नट भी लगे हुए हैं, पेच भी लगे हुए हैं मुख्तलिफ, अब वो किसी को नज़र नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये गलती है, अननेसेसरीली हम एक चेयर को उठा के देखेंगे तो 4 मुख्तलिफ साइजों के उसमें नट लगे होंगे। ये नहीं होना चाहिए। आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए, पैसा फॉलो करेगा सर्विस को। अगर क्वालिटी ऑफ सर्विस बेहतर होगी तो पैसा खुद ब खुद पीछे भाग के आएगा। मुझे आप बताएं कोई भी किसी इलाके में कोई मशहूर मिठाई, कोई बर्फ़ी, कोई अल्लाह रखे के दिक्के, कोई अब्दुल शकूर की मछली, को मैं ऐसे ऐसे बात कर रहा हूँ, कोई किसी स्पेसिफिक को प्रमोट नहीं हम कर रहे, वो किस तरह बिज़नेस खींचती है, उसके टेस्ट में जान होती है सर। आप वो मछली खाते हैं, आप वो समोसा खाते हैं, आप वो पकौड़ा खाते हैं, वट एवर दैट प्रोडक्ट इज़, या वो कोई परफ्यूम लगाते हैं आप, या वो कोई जूता आप ख़रीदते हैं, नाइकी का जूता लेते हैं आप जॉगिंग करते हैं, आप कंफर्टेबल होते हैं। प्रोडक्ट पे जोर रखें, सर्विस पे जोर रखें, पैसा दौड़ के आएगा। पैसे पर जोर रखेंगे, चीप चीज़ें, लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप लोगों को एक लिमिटेड टाइम तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आपने सर्विस सही जनरेट कर दी, क्वालिटी सही प्रोवाइड कर दी, तो लाइफ लॉन्ग बिजनेस है, जनरेशन खाती हैं उसे। अब शाह साहब हैं वो आज तक यहाँ इस मुकाम पे कैसे पहुँचे हैं, छोटे से ट्यूशन पढ़ाने से। उस बंदे ने कभी ये नहीं सोचा मैं ट्यूशन फ़ी कितनी चार्ज कर लूँ, उसने सोचा कि मैं अपने स्टूडेंट की हेल्प कैसे करूँ, मैं इस आदमी की मदद कैसे करूँ कि ये अपने एग्ज़ाम में नंबर अच्छे ले जाए, ठीक है ना। तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है, जो भी आप लोग कर रहे हैं, आप में से किसी की बेकरी है या किसी का कोई शॉप है या कोई प्लान कर रहा है इंडस्ट्री लगाने की, कि मेरा जो एंड यूज़र है उसको मैं क्या वैल्यू दे रहा हूँ। अगर उसे मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा तो मैं मतलब एक तरह से बस टाइम ही आगे कर रहा हूँ, और जो आप देंगे वो पलट के आएगा। एज यू सो सो शैल यू रीप, ये कोई यूनिवर्सल लॉ है, ये कोई मेरा बनाया हुआ किसी ABCD का बनाया हुआ लॉ नहीं है। अच्छा जी, वेयर इट ऑल स्टार्टेड, ये सारी गैरेज कंपनियाँ एप्पल, गूगल, अमेजोन, हार्ले, डिज्नी, मेटल, अगर लोगों को पता ना हो ये बारबी की कंपनी है, ये 70 कुछ ईयर्स की, अभी रिसेंटली खबर आई थी कि जी बारबी इतने साल की हो गई है। ये सारे बिजनेसेस जो हैं ये प्रॉब्लम्स में रहे इनिशियली, ये सारे बिजनेसेस जो हैं इसके अंदर HP नहीं है, HP वॉज ऑल्सो अ गैरेज कंपनी, ये हचकोले खाते रहे। और फिर आप देख लें, मैं क्या बताऊँ, इनको दुनिया बताती है ये क्या है, इनको कोई मेरा ख्याल है किसी तारुफ के ही मोहताज नहीं है। ये सब सिर्फ बड़े ज़बरदस्त आदमी है, रिचर्ड ब्रैनसन साहब हैं, वही कहते हैं कि द बेस्ट बिजनेस कम फ्रॉम द पीपल, बैड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। इफ़ यू जस्ट कीप योर आईज ओपन, इफ यू आर गोइंग टू फाइंड
something that is that frustrates you, and when you think, well, I could maybe do it better than it's being done, there you have a business. इसको मैं ज़रा translate कर लूँ. आप किसी जगह गए, आपने देखा यार यहाँ कबाबों की मार्केट बड़ी अच्छी है. आपने कबाब मंगाए, थर्ड क्लास निकले. आपने कहा यार यहाँ पे अगर कोई सही कबाब बेचने वाला हो, सही रेस्टोरेंट हो, यार ये तो बड़ा अच्छा स्पॉट है, क्यों ना इधर छोटा सा बिजनेस खोला जाए. वो ये कहता है कि आपको जो बैड एक्सपीरियंसेस हैं, अगर कहीं पे वैक्यूम नज़र आता है तो वहाँ ऑटोमेटिकली कासिम अली शाह की जगह बन जाती है, सही बंदे की जगह बन जाती है, प्रोफेशनल की जगह बन जाती है. सो आप अगर उसमें आएंगे और आप अगर सही आप समझते हैं कि आप सर्विस और वैल्यू फॉर मनी देंगे, तो आपका बिजनेस रॉक करेगा. उसने आपके लिए पहले ही इन्वायरमेंट तैयार कर दी है, वो आपकी एडवर्टीजमेंट बन जाएगा. आपके रेस्टोरेंट पे कोई बंदा आएगा, आप कहेगा सर एक बार मुझसे भी ट्राई करके आए. अपने अंदर वैल्यू डालनी है और वैक्यूम्स ढूंढनी है हमने. इंस्टेड ऑफ लर्निंग फॉर अदर पीपल्स सक्सेस, लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स. ये बड़ी खूबसूरत बात है, वही बात है जो मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, जो मिस्टेक्स हैं, उनको आप लर्न करें. जो फेल हुए लोग, ये बंदा फेल क्यों हुआ, ये बिजनेस फेल क्यों हुआ. वो कहता है सक्सेस स्टोरीज जो है ना, जब बंदा सक्सेसफुल हो जाता है ना, एक कहावत है अंग्रेजी की, सक्सेस हैज मैनी फादर्स एंड फेलियर इज ऑर्फन. नोबडी वॉन्ट टू ओन अ फेलियर. कोई बंदा नाकामी जो है, लेकिन एक बड़ी मजे की बात आपको बताऊं, ज्यादातर लोग जिन्होंने गैर मामूली सक्सेस अचीव की है, उन्होंने पहले फेलियर का थोड़ा सा मजा चखा है. अब दो किस्म के इंसान के ऊपर रिएक्शन होते हैं फेलियर के. एक रिएक्शन ये होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है और वो कहता है जी मेरी किस्मत ही खराब है, नेगेटिव माइंडेड. तो आप लोगों ने कभी डिसहार्ट नहीं होना, दुआ करते रहना है. सो अगर आप पॉजिटिव होंगे, अगर आपका माइंड फ्रेम पॉजिटिव होगा, तो कोई बैड इवेंट भी आपके साथ होगा ना, तो आपको उसमें अपॉर्चुनिटी नजर आएगी. लोड शेडिंग होती है, सब बापडा को गालियां देते हैं. UPS बनाने वाला दुआ देता है, वो कहता है मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है. और हो ख्वाजा साहब सवेरे दो सो व्हाट एंटरप्रेन्योरशिप इज ऑल अबाउट. डू पीपल शुड ट्राई टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज. आपने अपने दिमाग को अपॉर्चुनिटीज ढूंढने पे लगाना है. इट्स बेटर टू हैंग आउट विद द पीपल बेटर देन यू. आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे, आपसे ज़्यादा समझदार लोग जो हैं उनको तलाश करें. पिक आउट एसोसिएट हुज बिहेवियर इज बेटर देन योर्स एंड यू विल ड्रिफ्ट इन दैट डायरेक्शन. देखिए ना जी, वो कहते हैं अ मैन इज नोन बाई द कंपनी ही कीप्स. आप जो पाँच बंदे बेहतरीन होंगे, अगर आप उनके साथ उठे बैठेंगे, तो आप उनके दरमियान में एक बंदा बन जाएंगे. मेरा यहाँ पे फाउंडेशन में आने में सबसे बड़ी अट्रैक्शन कासिम अली शाह साहब है. जो मेरा ये होता है कि मैं प्राइवेटली उनके साथ गप्पे लगा सकूँ, कंपनी में बैठूँ, गप शप मारे. कोई एजेंडा नहीं, कोई काम नहीं, कोई पैसे नहीं, कोई लालच नहीं. अच्छे आदमी की सोबत अच्छा और बुरे की सोबत बुरा बनाती है. सो अपनी सोबत जो है उसको हमेशा अच्छा रखें. गरीब आदमी और अमीर आदमी नहीं. सर हाउ कैन आई प्रोवाइड वैल्यू. ड्रिवन बाय द पर्पस, ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, ग्रोथ माइंडसेट. ठीक है सर. नेवर स्टॉप लर्निंग, विल वर्क टू लर्न लेटर. ठीक है जी, विल वर्क टू अर्न लेटर. और दूसरा इसके उल्टा है. ज्यादातर होता क्या है, Everybody wants to eat the fruits. Nobody wants to water the roots. जड़ों को पानी कोई नहीं लगाना चाहता, मेहनत कोई नहीं करना चाहता. आसाइश चाहिए, आसानी चाहिए, आराम चाहिए, कंफर्ट जोन, फील सेफ, 12 बजे तक रजाई, बड़ी मजेदार सर्दियों के मौसम में. आप सेफ हैं, आप कंट्रोल हैं. अम्मी को डांट लिया, बहन को डांट लिया, बीवी को डांट लिया, खाना खा लिया, मेहनत नहीं की, कहा ये मुल्क की पैड़ा है. अच्छा मुझे ये बताइए, कासिम अली शाह साहब जो हैं ये जर्मनी से आए, तो ये फाउंडेशन जो है ये मुफ्त बनी है, ये कहाँ से आई है, ये कैसे बनी. ये बंदे लड़के जो सूट पहन के यहाँ काम कर रहे हैं, जो हमारे भाई लगे हुए हैं, ये सब वेल पेड हैं, अच्छे हैं.
इनका काम क्यों चलता है, आपका क्यों नहीं चलता अगर वो बंदा ये बात कहता है? इसलिए कि वो दुरुस्त काम नहीं करता, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने को तैयार नहीं है। आप लोगों में कम से कम एक खूबी है जिसका मैं ट्रिब्यूट आप सबको पेश करूंगा कि आप अपने घर से निकलकर यहां तक आए हैं, अपने कंफर्ट जोन से तो बाहर निकले हैं। तो 2 घंटे हमारे साथ टाइम खराब करने तो आए हैं कि कोई इस उम्मीद पे, ये सारा कुछ जो मैं एफर्ट इतनी कर रहा हूं ये इसलिए कर रहा हूं कि आप जो उम्मीदें लेकर आए हैं उसको हम उसको इन्फोर्स करें और आपको कोई रिजल्ट मिले। क्योंकि मुझे मजा आता है, मैं तालियां उस दिन में जाना चाहता हूं कि मुझे किसी दिन कोई सेशन मिले, कोई बंदा मुझे फ़ोन करे या कोई बंदा व्हाट्सएप करे कि यार मैंने वो सेशन आपका अटेंड किया था, देखिए आज मैं ये बन गया हूँ, ये मेरी कामयाबी है। इससे आगे सर जी आता है फियर जोन, डर, फाइंड एक्सक्यूजेस। असल में डर ये होता है कि मैं हार ना जाऊँ, जो कि डर है, लेकिन अल्लाह पे भरोसा करके, अपनी अकल पे भरोसा करके, अपनी कोशिशों पे भरोसा करके आप आगे निकलें, आप नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद आ जाता है जिस फेज में आज हमारे यहाँ दोस्त इकट्ठे हुए हैं, लर्निंग जोन, सीखने वाला काम। आप कम से कम अपने घरों से निकले हैं, आपने हिम्मत की है कि कोई यार चार बंदों को मिले, कोई पूछे तो सही है कि कर रहे हैं। एक दफा जी जंगल में सारे जानवर इकट्ठे हुए, ये बहुत मशहूर बुक से मैं कोट कर रहा हूँ, उन्होंने कहा जी हम में से हर एक को हर काम आना चाहिए। लिहाजा खरगोश ने स्विमिंग सीखनी शुरू कर दी, बतख ने उड़ने की कोशिश कर दी, कछुए ने दौड़ने की कोशिश कर दी। 2-3 महीने बाद उनकी जबानें बाहर निकल आई, उनके हालात बुरे हो गए और उन्होंने कहा जी ये तो बेड़ा गर्क हो गया, तो हम तो पूरे जंगल को प्रोटेक्ट कर रहे थे। उसके बाद इससे लेसन क्या लर्न हुआ, खुदा ताला ने हर इंसान में फर्क क्वालिटीज़ दी हुई हैं, हर इंसान मुनफरद है, ठीक है। आपने ये देखना है कि कौन सी क्वालिटीज़ हैं आपको अल्लाह ने दी हुई जिन्हें इस्तेमाल करके आप अपना रोज़गार बेहतर तरीके से गुजार सकते हैं, और अपने रोज़गार से भी पहले मुआशरे में एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, एक प्रोडक्टिव इंसान बन सकते हैं। ईदी साहब काउंसलर का इलेक्शन हार गए थे, अगर वो इलेक्शन जीत गए होते लाखों बच्चे जिन्हें उन्होंने सपोर्ट किया है, लाखों लोग वो अपनी ज़िंदगियाँ हार गए होते। आपने ये नेचर को सुनना है, आपने देखना है, नेचर को रिस्पेक्ट करना है, अल्लाह ने आपको किस लिए पैदा किया। सो कुदरत से जंग न करें, अपनी सलाहियतें आपसे बेहतर कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। जेमरॉन भी यही बातें कहेगा, बुल्ले शाह भी यही बातें कहेगा, और शाह साहब भी यही बातें कहेंगे, क्योंकि दुरुस्त बातें ये हैं। जॉन लेनन मुझे बड़ा पसंद है बंदा, वो स्कूल में, बिजनेस स्कूल में या किसी भी स्कूल में एडमिशन के लिए गया, फॉर्म में उन्होंने पूछा व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, गोल पूछा, उसने लिखा है वांट टू बी हैप्पी। जो इंटरव्यू ले रहा था उसने कहा यू डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, जॉन लेनन सेड यू डिडंट अंडरस्टैंड द आंसर। सो जिंदगी में हम जो कुछ भी करते हैं वो अल्टीमेट हैप्पीनेस के लिए करते हैं। तभी मैंने आपको कहा है कि जब आप पैसे को पीछे रख के अचीवमेंट्स के लिए बिजनेस करेंगे, ठीक है ना, तो पैसा खुद बहुत दौड़ के आएगा और आप खुश भी ज़्यादा होंगे। जब आप अपनी तबीयत के खिलाफ, वही जो मैंने एनिमल्स का आपको बताया था, किंगडम ऑफ एनिमल्स का अल्बर्ट, उस तरह का नाम है बुक्स का, मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट नाम, तो फिर आप परेशान होंगे, आप उस बतख की तरह होंगे, वो उसके बाजू थक जाएंगे, वो उड़ नहीं पाएगी। तो हम नहीं चाहते कि इस तरह से आपकी ज़िंदगी में हो। तरक्की का ये मतलब नहीं है कि हम पागल हो जाएं, हम जुनूनी हो जाएं। एंटरप्रेन्योरशिप पे क्लास लेने का ये मतलब नहीं है, या एंटरप्रेन्योरशिप का कोर्स करने का ये मतलब नहीं है कि हम अपने रिश्ते सारे हार दें और पागल होकर पैसे के पीछे दौड़ना शुरू कर दें। बैलेंस रखें, अपनी ज़िंदगी में 12 घंटे काम कर लें, आम आदमी 8 घंटे करता है, आप 12 घंटे काम कर लें, लेकिन 12 घंटे जो बाकी के हैं उनको तो कम अज़ कम यार आप इन्जॉय करें। बिल गेट्स की जी फेमस कोट है, मुझे बड़ी पसंद है, मनी कैन नॉट बाय एवरीथिंग बट मेक श्योर यू हैव मेड इनफ ऑफ इट बिफोर टॉकिंग सच नॉनसेंस। सो ये पहली जो बातें हैं वो भी इम्पोर्टेंट थी, ये बात भी बड़ी इम्पोर्टेंट है। सर ये आपने किसान काइजन, इसे आपने याद रखना है, नॉलेज, इंटेलिजेंस, स्किल, एटीट्यूड, नेटवर्किंग, ये एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मस्ट है। वो 4 सियाने नाल मशवरा कर लो। द स्वॉट एनालिसिस, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स,
दिस इज स्वॉट एनालिसिस, आप किस चीज़ में अच्छे हैं। जैसे तो मेरे वेट के साथ आप कहें जो मेरे नाल दौड़ ला रहो, तो मैं तो हार जाऊंगा, मैं कहूँगा फिर कुछ नहीं लड़ लो। यानी जो आपकी स्ट्रेंथ है, अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको पहले बताया कि अपनी आंखें और कान खुले रखें। थ्रेट्स क्या हैं? मैंने नहीं भागना, ये मुझे थ्रेट है, मैंने पता मैं तो हार जाऊंगा, मैं उसकी प्रोविजन करूं कि जो थ्रेट्स हैं मुझे, जो मेरे सिस्टम में वीकनेस है, जो मेरे बंदे में वीकनेस है, मेरे स्टाफ में वीकनेस है, उसका कोई इंतज़ाम करूं। वो क्या इंतज़ाम करूं? उसको ट्रेन कराऊं, उसको एजुकेट करूं, ठीक है ना सर? ये पहले भी डिस्कस हो चुके हैं लेकिन इनको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग मैन बाय ब्रूनी वेयर, एक किताब है। मरते हुए बंदे, वो जो होता है ना ICU, उसमें नर्स थी एंड शी इंटरव्यूड मैनी पीपल। 5 एजेस ऑफ सिविलाइजेशन। अच्छा जी, एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सर जिसने 8th हैबिट नहीं पढ़ी उसने कुछ नहीं किया। 7th के बाद 8th हैबिट पढ़ना उससे भी ज़रूरी है। 8th हैबिट है अपनी शिनाख्त, अपने आप को पढ़ना, अपने आप को जानना। इंसान सबसे पहले जब सिविलाइजेशन शुरू हुई, उस ज़माने के जो एंटरप्रेन्योर थे वो हंटर थे। खाना फूड की शॉर्टेज थी, हंटिंग जो है वो बहुत बड़ा हंटर जो है उसको माना जाता था कि यार ये इसको प्राइज़ मिलेगा, वो हर चीज़ ट्रेड कर लेता था उसके बदले, जो अच्छा हंटर था गोश्त देता था लोगों को। उसके बाद लोगों को पता चला कि जी एग्रीकल्चर में ज़्यादा, फार्मिंग में ज़्यादा आसानी है, शिकार तो कभी मिला कभी ना मिला। तो फिर लोगों ने जनाब फॉर्म बना लिए, मिचेल फ्रूट फॉर्म, और फॉर्म्स में फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो हैं उनको ट्रेड करना शुरू कर दिया। फॉर्म से किसी ने बताया यार ये तो 4 महीने 6 महीने में क्रॉप होती है, इंडस्ट्री लगाओ भाई, ठका ठक मशीनें हैं, इधर से माल निकलता है उधर से बिकता है, उधर से भाटा की जूती बनी उधर से बिक गई, तो पैसा उसमें ज़्यादा है, आसान भी है, तो लोग इंडस्ट्री की तरफ से आ गए। उसके बाद आया IT, इंफॉर्मेशन नॉलेज वर्कर। अब आपके इदारों में, आपकी काम की जगहों में आप जाते हैं और फ्रंट डेस्क पे कंप्यूटर के बगैर आपको बंदा किसी इदारे में नहीं मिलता। तो वो इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें आ गई। ये जो हम जितनी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं इसमें वो ये कहते हैं कि इफ़ यू आर नॉट पेइंग फॉर इट देन यू आर द प्रोडक्ट। अब आप कैसे प्रोडक्ट हैं? आप कहते हैं मैं तो घर सुता रहना आराम ना, मेरे दिन को किसी ने भेज दिया। आपने कभी गौर किया, आप जब 4 वीडियोज़ देखती हैं, ये ख़वातीन हैं, ये मेकअप की 4 वीडियोज़ देखती होंगी, 5वीं इनके सामने ऑटोमेटिक आ जाती होगी सजेशंस में। आप रेसलिंग की 4 देखते होंगे, यंगस्टर या रेस की 5वीं आ जाती है। वो आपके पैटर्न्स को फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे और इस चीज़ पे, और उसकी बेस पे एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग, फोकस्ड मार्केटिंग। अब देखें ना TV पे पैंपर की डाइपर की ऐड आती है। अब यहाँ पे आधे लोग होंगे जिनके बच्चे उस स्टेज से निकल चुके हैं, बाकियों के बच्चे हैं ही नहीं, उनके लिए वो मीनिंगलेस हैं। तो वो आपकी एज, आपके शौक, हर चीज़ को करके उस हिसाब से टारगेटेड फोकस मार्केटिंग करते हैं। सो दौर इंफॉर्मेशन का आया। इन चारों को ग्रो करके विजडम कि अब हमें क्या करना चाहिए। जैक मॉ को फॉलो ज़रूर करें, मैं उसका बड़ा फ़ैन हूँ। जैक मॉ कहता है एक स्टॉक मार्केट का काम और एक जो ई कॉमर्स है, ये फ्यूचर है दुनिया का, और मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। सो ये वो चीज़ है जो मैं फिर कहता हूँ, एथलीट्स ऑफ 21st century, ये वो चीज़ें हैं जिन्हें आपने रीड करना है, ये वो ज़रूरतें हैं जिन्हें आपने समझना है, और उसके मुताबिक आपने अपना बिजनेस मॉडल सेट करना है। आइडियाज, जिंदगी आइडियाज पे खड़ी है सर आज। ई कॉमर्स, स्टॉक मार्केट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आप में से हर बंदा सोशल मीडिया मार्केटिंग अपनी कर सकता है अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है। सेल्फियाँ नहीं कोई लेगा, वो मॉडल्स तो इंस्टाग्राम यूज़ करती हैं, आम बंदे की गर्दनें टेढ़ी कर करके तस्वीरें आप करते जाएं पोस्ट, वो अपना टाइम है अपना कैमरा दोनों ज़ाया करें, फ़ायदा कोई नहीं है। आपके पास कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, ज़बरदस्त मार्केट करें फ्री, ज़ीरो कॉस्ट। ऐप डेवलपमेंट, इसके डिफरेंट कोर्सेज हैं, जिन लोगों का IT का शौक है जो IT कर सकते हैं। हर छोटा छोटा स्टोर अपना ऐप बना रहा है, हर छोटी छोटी कंपनी आज अपना ऐप बना रही है। सो बेशुमार स्कोप है। पेपॉल है,
जाज कैश है, ये आइडियाज है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाज कैश खोल दें, यानी दीज आर बेसिकली आइडियाज। ईक्यू वर्सेस आईक्यू, आईक्यू है जहानत, ईक्यू है इमोशनल आपकी इंटेलिजेंस। मसलन अगर फर्ज करें अम्मी आपको थप्पड़ मार देती हैं किसी बात पे, तो एक ये भी चीज़ हो सकता है मेज को लात मारे घर की दो चीज़ें तोड़ दें, ये आपके इख्तियार में है हाउ टू रिएक्ट टू इट। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, आपको ठुडा लगा, बाद लोगों को ठुडा लगता है वो बड़ी बड़ी गालियां पकड़ने लगते हैं, एक चीज़ को और ठुडा मारते हैं, पर जाकर बच्चे के मुंह पे थपड़ खींच मारते हैं। जो अक्लमंद होता है वो बैठ जाता है, वो रुक जाता है, वो कहता है यार चोट लगी है अब मुझे फिगर आउट क्या करना है, हाउ टू रिस्पॉन्ड टू इट सेंसिबली। तो ये फर्क है, ये बिजनेसमैन के लिए बड़ा जरूरी है। क्लियर ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होनी चाहिए। हमारा एजुकेशनल सिस्टम सिर्फ आईक्यू जनरेट कर रहा है, ईक्यू जनरेट नहीं कर। सेल्फ गवर्नेंस सिखाती है ईक्यू आपको, सेल्फ रिकग्निशन, वही कि मुझ में क्या क्वालिटीज हैं, क्या मुझे करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इंटरडिपेंडेंस इज ऑफ अ बिगर चॉइस देन इंडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस इज अ चॉइस विच ओनली इंडिपेंडेंट पीपल कैन मेक। मसलन शाह साहब का एंटरप्रेन्योरशिप का एक ग्रुप बन गया, ग्रुप बन गया, इसमें दो चॉइसेस हैं। एक आदमी इंडिपेंडेंट मेंटली होगा, कॉम्प्लेक्सेस से आज़ाद होगा, तो वो इंटरडिपेंडेंट और बंदों को इकट्ठा करेगा उस फोरम पे और लाइक माइंडेड पीपल के साथ आगे बढ़ेगा, क्या वो मिल के करती हैं। चार मैंने ड्राइवर ऊपर के इंटरव्यू किए, चार तुम करो, तुम भी ऊपर चला लेना मैं भी ऊपर चला लूँगी। मैं इसलिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, थाउजेंड्स ऑफ थिंग्स। तो ये आपको हेल्प करेगी सेल्फ अवेयरनेस के साथ अफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये अभी पीछे से कुछ साहब कह रहे थे कि जी वो लोगों को झिझक होती है। देखिए सर, लोगों को हर आदमी ने पब्लिक स्पीकर तो नहीं बनना, हर आदमी ने 104 बंदों के सामने खड़े होकर तो नहीं बोलना। हाँ, अगर वन टू वन आपको दो बंदे एक कमरे में, आपने जब अपने क्लाइंट को डील करना है तो आपने एक नहीं तो दो बंदों से मीटिंग करनी है। और मेरा नहीं ख्याल कि इधर कोई बंदा इतना लो आई क्यू का है कि वो नहीं कर सकता, और अगर है तो फिर उसको साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि उसके लिए फिर हम कुछ और कर सकते हैं। रिलेशनशिप, बिजनेस रिलेशनशिप, पर्सनल रिलेशनशिप, स्मार्ट गोल्स, स्वॉट एनालिसिस, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पैराडाइम शिफ्ट, पैराडाइम शिफ्ट जो है, एक स्टोरी थी आपको पता है वेस्ट के अंदर जो है पैराडाइम शिफ्ट होती क्या है। एक साहब थे, वो खड़े थे और वो घूरे जा रहे थे हवा में, ख्यालों में। उनके दो तीन बच्चे थे, उन्होंने पूरी ट्रेन को आगे लगाया हुआ था, इसका पर्स खींच, उसका मोबाइल उठा, इधर उधर भागे फिर रहे हैं। एक आदमी आया, उसने कहा यार अपने बच्चों को कंट्रोल करने का कोई तरीका ढूंढो, हम इंसान हैं, तुम इंसान नहीं लगते मुझे, ये क्या बदतमीजी हो रही है। अब पैराडाइम शिफ्ट कैसे होती है? उस बंदे ने कहा मैं इन्हें कंट्रोल करने के बारे में सोच रहा हूँ, मैं अस्पताल से आ रहा हूँ, मेरी बीवी फौत हो गई है, इनकी माँ, और मुझे समझ नहीं आ रही। वही ट्रेन जो तंग थी, जो नफरत कर रही थी, औरतों ने बच्चों को प्यार करना शुरू कर दिया, बच्चों ने अपने टॉयज देने शुरू कर दिए, उनको सूद करने की कोशिश की। इसे हम कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट। पहली पैराडाइम में एवरीबॉडी वॉज हेटिंग देम बिकॉज दे डिडंट नो द रियलिटी। वंस दे नो द रियलिटी, उनका बिहेवियर बदल गया। ये 6 और 9 अक्सर मिसाल देते हैं कि जी आपको 6 नजर आ रहा है, मुझे 9 नजर आ रहा है, सेंटर में लिख के। सो अदर साइड ऑफ द स्टोरी, वो जानने से पैराडाइम शिफ्ट होती है। तो पैराडाइम को जरूर समझें। पर्सन का पूरा पैराडाइम कैसे शिफ्ट होता है? माइंड, हार्ट और बॉडी, इन तीनों को मिक्स करने के बाद सबसे ऊपर जो चीज आती है वो स्पिरिट है, सोल जो हमारी है, जो हमारी सोच है, जो हमारा जज्बा है, वो बदलता है चीजों को। चॉइसेस हमारे पास क्या होती हैं? कारोबार शुरू किया, पहले दिन मोबाइल बेचने शुरू किए, 2 कस्टमर गंदे आ गए, और छोड़ो जी मैं काम नहीं करना, मैं जाना ही नहीं दुकान दोबारा, छोड़ देता, क्विट कर देता। दूसरा रोते पिटते गए। तीसरा नहीं यार अबू ने 5 लाख रुपए लगाए हैं, कुछ करके दिखाना है। चीयरफुल कोऑपरेशन, घर जाके अबू होगा मैं 10 पूरे करूंगा इंशाल्लाह, बस आपने अम्मी आपने दुआ करनी है,
मैंने क्लाइंट पकड़नी है, दोस्तों को कहा यार प्रमोट करो, जितना फारक टाइम है तुम लोगों के पास आके मेरे कार्ड बांटो। हार्ट फेल्ट कमिटमेंट, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, ठीक है ना जी, हार्ट फेल्ट। आपने दिल से सोच लिया कि मर जाएंगे काम नहीं छोड़ेंगे, एंड क्रिएटिव एक्साइटमेंट, आपको फतह, पहले दिन आप नाकाम हुए, दूसरे दिन नाकाम हुए, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग डूबी, और 10वें 12वें दिन आपने रिकॉर्ड सेल कर दी, पूरे महीने का खर्चे निकल गए, सो आप छलांगे लगाते हुए घर आए। वो वही बंदा करता है जो जो कॉन्टिन्यूसली इन्वॉल्व रहता है उस चीज में। नथिंग इज सो पावरफुल एज एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। दुनिया में कोई चीज इससे ज्यादा पावरफुल नहीं है। 10 steps ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप के 10 सुनहरे असूल, डिसिप्लिन, टाइम पे उठना, हर काम को टाइम पे करना, कॉन्फिडेंस, ओपन माइंडेड, यू शुड बी ओपन टू ऑल न्यू आइडियाज, सेल्फ स्टार्टर, कंपिटिटिव, आपने देखना कि मेरी प्रोडक्ट कंपिटिटिव है या नहीं है, मैं अपने कंपिटिटर को स्टडी कर रहा, अपने कंपिटिशन को, मैं ऐसा क्या दे रहा हूँ, क्या मैं खुद अपनी प्रोडक्ट लूँगा। फर्ज करें आपने कबाब की दुकान लगाई है, भैया कबाब वाले के साथ आपने भी दुकान खोल दी है, क्या आप खुद अपना कबाब खाएंगे उसका कबाब छोड़ के? तो ये स्टडी आपको करनी चाहिए, अपने दोस्तों को, अपने हमदर्दों को बुलाना चाहिए, एक कबाब उसका खिलाना चाहिए, अपना खिलाना चाहिए, पूछना चाहिए कि आप इनमें से कौन सा खाएंगे। एक एप्पल का सामने रख दें, एक सैमसंग का फ़ोन रख दें, कंपनी उन्हें कहें आप कौन सा लेंगे, तो दीज आर द सर्विस ये कंपनियाँ करती हैं। क्रिएटिविटी, इनोवेशन लेके आना, कुछ चीज़ को बेहतर बनाना, किसी चीज़ में कोई वैल्यू डालना, डिटर्मिनेशन, वही वाली बात कि जिएंगे मरेंगे करके छोड़ेंगे। स्ट्रॉन्ग पीपल स्किल्स, फिर अगेन नॉट पब्लिक स्पीकिंग, यहाँ पे अभी बात हो रही थी, पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट पीपल स्किल, पीपल स्किल इज हाउ यू डील देम वन टू वन, वन टू वन काउंसलिंग सीखेंगे कैसे करनी है, आपने अपनी अम्मी से कैसे बात करनी है, अपने अबू से कैसे बात करनी है, अपने क्लास वालों से कैसे बात करनी है, अपने बेटे से कैसे बात करनी है, अपनी बीवी से कैसे बात करनी है, और अपने पड़ोसी से कैसे बात करनी है, और ये सबको मिलाएंगे तो अपने क्लाइंट के साथ कैसे बात करनी है। सो स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्किल होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। देखें वही मैंने मिसालें आपको विलियम्स एंड विलियम्स की दी कि एथिक्स थे तो उसने दूसरी जगह टेलीफोन करके मुझे भेजा ना, हॉलैंड हॉलैंड वाले ने कि यहाँ से जाके ले लो। पैशन, शौक, जुनून, ये चीज़ें आपको तरक्की देती हैं। पॉजिटिव माइंडेड, पॉजिटिव माइंडसेट, जिंदगी में याद रखें जो मनहूस और नेगेटिव माइंडेड आदमी हो कभी उसके पास ना बैठे। बाज बंदे ऐसे होते हैं आप 10-20 मिनट उनके पास बैठ जाएं आपको लगता है दुनिया की सारी बीमारियां आपको हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, शुक्रगुजारी, ग्रेटिट्यूड पे शाह साहब का पूरा एक लेक्चर भी है, शुक्रगुजार हूँ, ठीक है जी। स्मार्ट गोल्स, व्हाट इज अ स्मार्ट गोल, स्मार्ट कैसे होगा, वैसे नहीं होगा कि उसे सूट पहना होगा गोल नहीं, स्पेसिफिक होगा, यू शुड बी वेरी क्लियर, मेजरेबल होगा, मेजर करेंगे कितने टाइम में अचीव हो सकता है, अचीवेबल होगा, रियलिस्टिक होगा, टाइम बाउंड होगा। जैसे ये हमारा था कि जी हम 6 दिन में आपको एंटरप्रेन्योरशिप, सो इट वाज अ स्मार्ट कोर्स, लाइक अ स्मार्ट गोल, इट वाज अ स्मार्ट कोर्स, कि ये स्पेसिफिक था फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, मेजरेबल था, अचीवेबल था, रियलिस्टिक था, टाइम बाउंड था, ठीक है ना जी। तो ये आप अपनी ज़िंदगी में लगा सकते हैं।